नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार। लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी व स्वर्गीय गौरव सिंह की 13वीं पुण्यतिथि पर शियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 9 दिसंबर से शुरू होगा। युक्त जानकारी देते हुए सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने बताया कि 3 दिवसीय श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ कंबल वितरण का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 और 10 दिसंबर को अस्पताल के ब्लड बैंक में वृहद स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा रक्तदान शिविर में भाग लेकर स्वर्गीय विनोद कुमार त्रिपाठी गौरव सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को रायपुर मेलावाला बाग के मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में गरीब व असहाय लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा, ताकि उन्हें इस भीषण ठंड से बचाया जा सके। रामानुज सिंह रमा, संचालक अध्यक्ष सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट, कैमरामैन अंकित श्रीवास्तव के साथ रिपोर्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट, इंडिया समाचार अयोध्या। तत्वाधान में विगत 13 वर्षों से जो है, पहले स्वर्गीय निजी पंकज सेवा संस्थान के तत्वाधान में होता था, अब जो है सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में विगत 13 वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी एवं गौरव सिंह की 13वीं पुण्यतिथि 13 वर्षों से मनाई गई है और ये 14वीं पुण्यतिथि इस वर्ष मनाई जाएगी। 3 दिवसीय का श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत कल या श्रद्धांजलि कार्यक्रम का पहला दिन रहेगा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ होगा। इसका शुभारंभ हमारे नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी करेंगे और इसमें प्रदेश के विभिन्न स्थानों से युवा और जो जुड़े हुए लखनऊ विद्यालय के युवा हैं और अयोध्या जनपद के युवा हैं, वो लोग रक्तदान करेंगे। इसके पश्चात 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन भी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में जनपद के विभिन्न स्थानों से आए के युवा एवं युवतियाँ रक्तदान कर स्वर्गीय गौरव सिंह विनोद त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन पुण्यतिथि का जो दिवस है, उस दिन रायपुर मेलावाला बाग का मंदिर परिसर में आसपास ग्राम के लगभग 200 जरूरतमंद निराश्रित और निर्धन महिलाएं जो है, जिनके पास कोई जगह नहीं है और कहीं इधर उधर घूम रही हैं, उनको जो है कंबल देकर इस जो ठंडक का आगमन हो गया है और भीषण ठंड जो पड़ेगी उसमें उनको राहत पहुंचाने का सियाराम ट्रस्ट अपना प्रयास करेगी। और साथ ही साथ जो 9-10 को जो लोग रक्तदान करेंगे उनको जो है उस दिन जो है हमारे जो उस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि होंगे, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे चित्रकूट के महाराज बाल राम गोपाल दास जी हैं, महंत हैं चित्रकूट के मंदिर के, वो आ रहे हैं, वो उनको सम्मानित करेंगे जो 9-10 तारीख को रक्तदान करेंगे।